नमस्कार, डीएसडी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजमोहन सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आज जन्मदिन है, सज धज कर तैयार है पूरा उनका जो कुनबा है उसने तैयारी कर ली है उनके बर्थडे को। 30 पाउंड का केक काटने की तैयारी है। रामचंद्र पूर्वे प्रदेश अध्यक्ष को नेतृत्व कर रहे हैं। इसी बीच बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट बड़ा ही इमोशनल सा है। हम आपको ट्वीट दिखाते हैं। तेज प्रताप यादव ने इस ट्वीट में लिखा है, युवाओं के दिलों की धड़कन, गरीब और वंचित समाज के हक की आवाज बुलंद करने वाले जान से भी प्यारे छोटे भाई तेजस्वी को 30वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 2020 के कुरुक्षेत्र में विजयी होकर बिहार की सेवा करो, यही मेरी कामना है। तो तेज प्रताप यादव ने बड़ा ही इमोशनल और साथ ही साथ इंस्पायरिंग एक मैसेज लिखा है अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के लिए। तेजस्वी यादव लालू यादव के सियासी वारिस बनके उभरे हैं और महागठबंधन का नेतृत्व किया है। हाल ही में हुए उपचुनाव में जिस तरीके से आरजेडी ने जीत दर्ज की है, हालांकि लोकसभा चुनाव में हुई करारी हार के बाद तेजस्वी के नेतृत्व पर बड़े सवाल उठे थे, लेकिन हालिया उपचुनाव के बाद एक बार फिर से तेजस्वी यादव वापसी करते हुए दिखे हैं। और बीच में जब वो आउट ऑफ फ्रेम चले गए थे, जब लोकसभा चुनाव में हार हुई थी, उनकी पार्टी की सबसे बुरे दौर से गुजरी है, आरजेडी खाता भी नहीं खुल पाया था, लेकिन अब जब तेजस्वी की वापसी हुई है और झारखंड गए हुए थे, झारखंड में महागठबंधन के नेताओं से मुलाकात थी, हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई, झारखंड में चुनाव है इस बीच, और झारखंड में चुनाव में आरजेडी को हालांकि कम सीटें मिली है और लगता है कि पेच फंस गया है सीट के बंटवारे को लेकर, क्योंकि तेजस्वी यादव कल हेमंत सोरेन और कांग्रेस दोनों जेएमएम और कांग्रेस की जो संयुक्त बैठक हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं रहे, तो उससे भी कई कयास लगने शुरू हो गए कि लगता है आरजेडी को सही सीटों का तालमेल बैठ नहीं पाया उनका जेएमएम और कांग्रेस के साथ। इसी बीच आज रांची से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव, उनके कार्यकर्ताओं में जोश है क्योंकि आज बर्थडे है, बर्थडे बॉय है तेजस्वी यादव आज। और आपको बता दें कि तेजस्वी के लालू राबड़ी आवास के बाहर, उनके आवास के बाहर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं तेजस्वी यादव के जन्मदिन को बधाई देते हुए। और साथ ही साथ अब ये बड़े भाई का ट्वीट आया है, हम आपको दिखाया कि किस तरीके से अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर भी तेज प्रताप ने विश किया है और कहा है कि 2020 के कुरुक्षेत्र में विजयी होकर बिहार की सेवा करो, यही मेरी कामना है। तो बड़े सारे कयास लगते रहते हैं, बहुत बातें चलती रहती हैं कि तेज प्रताप और तेजस्वी में मनमुटाव है, बहुत सारी बातें सियासी गलियारों में चलती रहती हैं, लेकिन इन सब के बीच तेज प्रताप का ये ट्वीट एक बार फिर बता रहा है कि वो कृष्ण है और अभी भी तेजस्वी उनके अर्जुन है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहे डीएसडी न्यूज के साथ। नमस्कार।